الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم मुहतरम मक्रम नावरीन साम अमैकम वहमतुल्ला वबरकू आपसे मुखातब मौलाना फ़जलदाद और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और च्यूज़डे शाम को सात बजे से आठ बजे तक लाइव हुआ करता है और फिर उसके बाद मुख्तल अवात में इसको रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग हाज़िर होकर देख नहीं सके या दुनिया में मुख्तलिफ टाइम जोम्स की वजह से इस वक्त वो देख नहीं सकते या उनसे मिस हो गया है किसी वजह से तो वो दूसरे औकात में इसको देख सकते हैं अज्यो वेल वेल अवे दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स इज लाइव एवरी मंडे एंड च्यूजडे बिटवीन सेवन ओ क्लॉक इन द इवनिंग्स and then it's repeated at different intervals so that those people who may have missed it or who can't be present at these times and similarly due to different time zones they can't watch it those people can watch these programs and that's why they are repeated but also to bring to your attention this program and all the previous programs have been uploaded onto youtube ye jo program और इससे माकबल कई सालों के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब के सब यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं सो यू मोस्ट वेलकम टू वाच ओवर ओव और फॉर्मेट आपको पता है कि इब्तदा में मुख्तसर सा किसी मौजू के ऊपर बयान होता है कोई बातचीत होती है और फिर उसके बाद आपकी तरफ से सवालात, जवाबात, कोई तस्करा और हमारी तरफ़ से बाज़ा सवाल होते हैं बाज़त किसी चीज़ का जवाब होता है किसी चीज़ के ऊपर तबसरा होता है किसी बात के ऊपर तबसरा होता है कोई नसीहत होती है आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है नंबर इस नंबर के ज़रिए स्टूडियो तक फ़ोन कर सकते हैं बाकी हम भी सुनेंगे और फिर उसके बाद जितने भी साम नाजरन हैं वो भी सुनेंगे तो ये मोस्ट वेलकम चाहे वो कॉल इस मौजू के साथ ताल्लुक़ हो या कोई और भी मौजू हो बशरत के एक शर्त यह है कि किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किसी के ऊपर तान तशनी नहीं और दूसरी बात कोई ऐसी बात हो कि जो असलाह उम्मत के लिए हो तो ऐसे करते हैं बयान शुरू करने से पहले कुछ कॉलें आ गई हैं एक आध कॉल लेते ले हैं और फिर आगे बात यहाँ से चलाते हैं पहली कॉल की तरफ जाते हैं जीकुम जी, वा जी वाले वाब कैसे हैं है। जी मौलाना साहब मैं एक सवाल पूछना है जैसे मेरा के अंदर मैं पूरी तरह से बोल नहीं सकती हूं थोड़ी सी मेरे जुबान के नीचे कोई असलासा बना हुआ है तो मैं नमाज पढ़ती हूँ ख़ासकर जब रुकू में जाती हूँ सजदे में जाती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है मुंह के अंदर तो क्या जब तक तो ये ठीक नहीं होता तो मैं अपने हेड में पढ़ सकती हूँ जैसे आवाज़ के साथ या बोल के नहीं जैसे अपने जहन के अंदर नमाज पढ़ सकती हूँ मतलब जब आप चलो तो नहीं हिला सकते, तो सकते हैं है, है, है। है, अगर जबान नहीं हिल सकती तो जितने भी मुख्तर सा आवाज आप अपने कान के अंदर सुन सकते हैं उस अंदाज के अंदर आप पढ़े जबान को हिलाने की जरूरत नहीं इससे अगर आपको तकलीफ होती है तो उसके बगैर भी आप मिसाल के तौर पर अब सुबहान रबील अजीम सुबहान रबील अजीम तो ज़बान न भी हिलाएँ तब भी आदमी इस अंदाज़ के अंदर पढ़ सकता है तो अगर उसमें भी तकलीफ हो तो फिर जो भी आपके लिए आसान हो वो आप आसान तरीका कर सकते हैं जी शुक्रिया शुक्रिया मौलाना साहब अल्लाह आपको खुश रखे आमीन आमीन अल्लाह अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पिछले चंद सेशन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसी मुबारक जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात किस्म के लोगों का तस्करा फरमाया है कि किमत के दिन जब कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अरश के साये के अलावा सिर्फ़ अल्लाह के अरश का साया ही होगा उस दिन तो नबी पाक वसल्लम ने अरसाद फरमाया सात किस्म के लोग ऐसे हैं कि उस जगह उस साए के अंदर अल्लाह रब्ज़त उनको जगह नसीब फरमाएंगे और मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी पाक ने जो सात लोगों का सात किस्म के लोगों का तस्कर फरमाया है सबसे पहले फ़रमाया अमामिल वो ज़िम्मेदार जो अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों के अंदर इंसाफ़ के साथ बर्ताव करता हो नंबर दो फरमाया के, वो जवान कि जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी हो बे इबादत वो जवान कि जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत ही के अंदर गुजारी हो और मैंने ये बात तफसील से पिछले सेशनों के अंदर अर्ज की थी कि मुसलमान बड़ा ही खुश नसीब है क्योंकि जो भी वो काम करे एक मुसलमान तो उसके हर काम को इबादत के अंदर आप तब्दील कर सकते हैं एवरी एक्शन दैट मुस्लिम परफॉर्म्स इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इबादा इट कैन बी चेंज्ड इनटू एन इबादा और उसकी पूरी तफसील पिछले सेशन के अंदर अर्ज की थी कि थोड़ी सी आप नीयत के अंदर तब्दीली कर दें और नीयत ये करें कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये अल्लाह को खुश करने के लिए हराम से बचने के लिए हलाल कमाने के लिए यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल मैं कर रहा हूँ अमल नबी पाक अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक कर रहा हूँ चाहे सोने वाला अमल हो खाने पीने वाला अमल हो काम पर जाने का अमल हो जो भी आमाल हती के अगर अपने आप को यानी एक शख्स बैतलखला जा रहा है अपनी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए लेकिन अगर वो भी सुन्नत के मुताबिक हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो तो फरमाया वो भी आपके लिए एक इबादत है तो इस तरीक़े से एक इंसान पूरा का पूरा जो दिन है उसका वो पूरा का पूरा दिन अब इबादत के अंदर उसको शामिल कर सकते हैं तीसरी चीज़ जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया तीसरे वो किस्म के लोग फरमाया कलब हो मकुम बिलमसाजिद कि उनका दिल वो मसाजिद के साथ लटका हुआ हो अटका हुआ हो और मतलब मस्जिद या मस्जिद वाला माहौल मस्तूरात जो घर के अंदर होती हैं और अपना वहाँ एक उन्होंने एक ख़ास जगह रखी होती है कि इस जगह के अंदर हम अपनी नमाज़ पढ़ेंगे या कुरान करीम की तिलावत करेंगे यहाँ बैठ कर बिछाएंगे बिछाएँगे वग़ैरह वग़ैरह तो वो जगह वो आपकी मस्जिद है मस्जिद वाला माहौल उस जगह के अंदर होता है तो फरमाया कि जिस अंदाज़ के अंदर मस्जिद वाले माहौल के अंदर इंसान रहता है और अल्लाह ही के बारे में सोचता रहता है इबादत ही के लिए जाता है अपने आप को दुनियावी तमाम कामों से अलग थलग कर देता है गुनाह से परहेज़ करते हुए ग़लत कामों से परहेज़ करते हुए उस जगह के अंदर बैठता है तो उसको जो सुकून और इत्मीनान उस जगह के अंदर महसूस होता है और एक मरतबा अगर इंसान को उसकी आदत पड़ जाए कि जैसे इंसान नमाज के वक़्त या नमाज की हालत में या मस्जिद वाले माहौल के अंदर बैठ कर न कोई करता है न किसी के बारे में कोई बुराई न किसी के साथ कोई झगड़ा न फसाद न मुसीबत किसी को यानी आराम के साथ सुकून के साथ तो नेगेटिव से दूर होते हुए यानी जो शलबियात हैं उससे दूर होते हुए टू तो कीप योर सेल्व अवे फ्राम ऑल द नगेटिव और दूसरी तरफ जितने भी पॉजिटिवस हैं उनके ऊपर अमल करते हुए कि अब अल्लाह के साथ अब मुझे ताल्लुक़ और मजबूत करना है आई वॉन्ट टू क्रिएट अस्ट्रॉ बॉन्डिंग विद माई अल्लाह अ खलोस अटैचमेंट विद माई अल्लाह मैं अपने अल्लाह के साथ और ज़्यादा अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना चाहता हूँ क्योंकि हर शख्स का ताल्लुक तो है अल्लाह के साथ किसी के ना किसी दर्जे पर चाहे वो बहुत कमज़ोर ताल्लुक़ हो और जिस वक्त इंसान पर कोई मुसीबत और आफत आती है उस वक़्त वो ताल्लुक जाहिर होता है और उस वक़्त अपने हाथ निकाल कर यह अल्लाह मेरे ऊपर ये तकलीफ़ आई है इस तकलीफ़ को तू दूर कर दे मुसीबत आई हुई है बीमारी आई हुई है तो हर एक का किसी न किसी दर्जे पर अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है लेकिन मक़द कि उस तल्लु को और ज़्यादा करीब करना और ज़्यादा मज़बूत करना तो इंसान मराकबे के अंदर थोड़ी देर बैठ जाए और अल्लाह के बारे में सोचता रहे कि मेरे रब ने मेरे लिए कितने कितनी नेमतें दी हैं मेरे लिए क्या कुछ किया है मेरी तरबियत करते हुए बचपने से अब तक और अब भी कर रहा है हर लिहाज से और मेरे तमाम अज़ा को मेरे हाथ जो हैं वो सही साल हैं मेरे दांत सही सालम हैं मेरी टाँगें सही सालिम है मेरा पेट सही सालम है अगर मेरे जिसम में एक अगर बीमारी आ भी गई है बाजुत इंसान के कान के अंदर बीमारी आ जाती है पूरे तरीके से सुनाई नहीं देता हाथ के अंदर एक हाथ ठीक नहीं चल रहा किसी को स्ट्रोक हो गई फालिज हो गई है कुछ टांग नहीं चल रही है पाँव नहीं चल रहा है या कमर के अंदर दर्ज है तो थोड़ी देर के लिए इंसान सोचे कि मेरे पूरे जिसम को तो ठीक रखा है ये अगर दो जगह ठीक नहीं है या तीन जगह ठीक नहीं है तो ये भी अल्लाह का करम है अल्लाह का एहसान है कि बाकी सब को तो ठीक रखा है मेरा हाजमा ठीक चल रहा है खून जो है वो पूरे जिसम के अंदर बेहतरीन तरीके से गर्दश कर रहा है कितने ऐसे हैं कितने ऐसे हैं कि उनके जिसम के अंदर सही तरीके से खून गर्दिश नहीं कर सकता ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको कहते हैं उनके क्लॉट्स हो जाते हैं उसकी वजह से शराइन के अंदर इन वेंस इन द आर्टरीज़ दे हैव ब्लॉकेजेस और उसकी वजह से अब खून का ब्लॉक जब हो जाता है क्लॉट हो जाता है खून सही तरीके से हार्ट अटैक भी हो सकता है इंसान को और बहुत सारी बीमारियां या अल्लाह तेरा कितना कर्म है कि मेरे जिसम के अंदर खून अपनी रफ्तार से बेहतरीन तरीके से वो खूब घूम रहा है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन माई बॉडी इज परफेक्ट दोज पीपल हु मे हैव एक्सपीरियंस अ ब्लड क्लॉट एंड वी नो दैट इफ देस ब्लड क्लॉट इट खुद इट खुद lead to danger to life heart attack etc etc ये स्टेंट वगैरह डाल देते हैं तो इसलिए अगर आपके जिसम के अंदर एक आध कमजोरी हो भी आपके टांगे सही नहीं चल रही या हो सकता है अब आप को अल्लाह ने बिनाई पूरी तरीके से नहीं दी हुई या कान से जो सुनाई है वो कम कर दी है खाने पीने के निज़ाम पहले बहुत अच्छा था अब थोड़ा सा हल्का हो गया लेकिन फिर भी चल तो रहा है ये बड़ी खुश नसीबी है आप जब इसजा खाना जाते हैं पस आ जाते हैं दिस इज़ अ ग्रेट यू कैन गो टू द टॉयलेट बाथरूम एंड रिलीव योर सेल्फ एंड कम बैक थिंक अबाउट वट अ ग्रेट अल्लाह दैट इज़ कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि आप वहाँ जाते हैं और चाहे छोटा हो बड़ा हो दोनों पेशाबों पहाना आप वहाँ अपने आप को फार करके वापस आ सकते हैं कितने ऐसे हैं कि उनके लिए वो ट्यूब लगानी पड़ती है और पेड़ से ट्यूब निकाल कर नीचे कितने ऐसे हैं कि उनको बड़े इसतंजा पूरे तरीके से आता नहीं अस्पताल जाना पड़ता है ख़ास गोलियां खानी पड़ती हैं दवाइयां लेनी पड़ती हैं ताकि उनका इसतंजा इस्त... आ सके ये कितनी बड़ी अल्लाह की नमत कि हम आराम से जाते हैं फारग होकर वापस आ जाते हैं कभी सोचा ही नहीं है कि ये भी इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान अपने आप से हटा सके इसी वजह से तो अगर आप गौर से देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं जो हमें सिखाई हैं कि जब आप इस तीन जगह से निकलते हैं वन यू कम बैक आउट ऑफ द टॉयलेट आउट ऑफ द बाथरूम सबसे पहले आप कहते हैं गफरानक या अल्लाह मैं तुझसे अपने माफी मांगता हूं और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजहब आन वाह आफ़ानी अमदिल्लाजी बहुत तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे इस गंदगी को दूर किया अजहब आनी अजा जिसने मुझसे इस गंदगी को दूर कर दिया वाहानी और उसने मुझे आफ़ियत नसीब की आफ़ियत एक होता है शिफ़ा एक आफ़ियत आफियत मतलब अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी उसके बाद वरना अब समझ आता है कि इंसान के गंदगी के अंदर इतने जरासीम इतने बैक्टीरिया इतना जहरीले असर टॉक्सिक असरत होते हैं कि अगर वो अंदर रह जाएं या बिलफर्ज आपकी आंत जो है वो फट जाए आपके इंटेस्टिन तो उसके अंदर इतने जहरीले असर हैं इंसान को मार भी डाल देता है उसके अंदर इतनी जहर होती है इन्फेक्शन ऐसा सख्त हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आपके पूरे जिसम को ख़त्म कर देगा बीमार सख्त हो सकता है तो इसलिए फरमाया व आफानी उस गंदगी को दूर कर दिया मुझसे और अल्लाह ने या अल्लाह तो ने मुझे आफ़ियत नसीब की तो अर्ज़ करने का मकसद कि अल्लाह ने ये बड़ी नमत दी है हम खा सकते हैं खाना अंदर जाता है हमारे जिसम के अंदर हाज़मा हो जाता है और अल्लाह अपने कर्म से अल्लाह अपने एहसान से वो हमारे जिसम से निकाल देते हैं तो इन नेमतों की तरफ देखते हुए इंसान थोड़ी देर मुराकबा कर ले कि अल्लाह मेरे ऊपर तेरी नेमतें इतनी ज़्यादा हैं इतनी ज़्यादा है मैं उनको गिन ही नहीं सकता हूँ तो इंसान जब उस मस्जिद वाले माहौल के अंदर इस तरह बैठ कर थोड़ा सा मुराकबा कर लेता है अल्लाह की नेमतों का अल्लाह के मेरे ऊपर एहसानात का कितना मुझे उसने कित बेहतरीन तरीक़े से तरबियत की मेरे जो नाखून है कैसे बेहतरीन तरीके से वो आराम आराम से आराम आराम से वो बड़े होते हैं और उनको इस तरीके से बनाया कि हम उनको काट भी सकते हैं है बनाए मजबूत ताकि अगर किसी चीज़ को खोद को रे हो तो हम उसको खोद को रे सकते हैं लेकिन दूसरी तरह अंदाज में बनाए कि हम उसको काट भी सकते हैं हालांकि वो हड्डी से बने हुए हैं बाकी हड्डी आप सोच लो अगर किसी हड्डी को काटो इंसान को बड़ी तकलीफ होती है आप अपनी जिसम की किसी हड्डी को काट दो कोई भी हड्डी तो इंसान को बड़ी तकलीफ़ होती है लेकिन इस नाखून को ऐसे बनाया कि इसको हर हफ्ते डेढ़ के बाद आपको काटना ही पड़ता है कोई तकलीफ़ नहीं होती और उसका करम के नाखून बड़े आराम से ये बड़ा हो रहा है अगर इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती अब अंदाजा लगाओ हर एक दिन के बाद दो दिन के बाद काटना होता है ये कितनी बड़ी तकलीफ़ कितनी बड़ी मुसीबत और ये कितनी बड़ी नेमत के नाखून जो है सही तरीके से आगे वो जा रहा है अगर वो रिवर्स के अंदर वापसी की तरफ जाता कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती और बाज़ लोग ऐसे हैं उनको ये नेमत नसीब नहीं उनके रिवर्स के अंदर फिर वो अस्पताल के अंदर जाते हैं और वो नाखून उसको फिर निकालना पड़ता है फिर नाखून जब आ जाता है वो वापस जानते हैं तो उनकी चीखें निकलती हैं क्योंकि वो जगह जो है वो कच्ची है तो इसलिए अर्ज करने का मकसद कि ये तमाम अल्लाह ने हमें नेमतें दी ये तो कुछ मिसाले में अर्ज़ कर रहा था जहन के अंदर डालने के लिए जब हम अपनी मस्जिद वाले माहौल के अंदर बैठे तो उस वक़्त अपने रब के साथ हम रबा कायम करें थोड़ी थोड़ी देर सोच लें कि अल्लाह तूने मेरे ऊपर करोड़ों इनामात किए हैं अल्लाह उन इनाम को मैं गिन ही नहीं सकता हूँ इतनी ज़्यादा नमतें किए हैं अल्लाह तू कितनी अच्छी ज़ात है तेरे क्यों कितना रहीम है कितनी रहम वाला है कितना प्यार वाला है मेरी नाफरमानियों के बावजूद मेरे गुनाहों गलतियों के बावजूद जितनी तेरी तरफ तवज्जो देनी थी उस उतनी तवज्जो नहीं दी इसके बावजूद फिर भी तू मेरे ऊपर इनामात है थोड़ी देर इंसान इस तरह सोचे बड़ा सुकून आता है दिल बड़ा ही खुश होता है यू फील सो हैप्पी यू फील एन एक्साइटमेंट इनसाइड कि माय अल्लाह इज वॉचिंग मी इज लुकिंग आफ्टर मी मेरी देखभाल कर रहा है और फिर इस पूरे मखलूक में से उसके कितनी बड़ी मखलूक है उस मखलूक में से इस दुनिया है दुनिया के ऊपर सात बिलियन तकरीबन लोग हैं उसमें से मैं हूँ मेरे ऊपर तवज्जो है आई एम वेरी स्पेशल टू माई अल्लाह तो इसलिए फरमाए जब इंसान इस मुराकबा करता है अपनी मस्जिद वाले माहौल होता है, जब इस से बाहर जाता है तो इधर कोई लड़ रहा है इधर कोई झगड़ा कर रहा है इधर दुनियावी जरूरियात हैं इधर पतन क्या है उधर खाने पीने और बाकी तमाम चीजें तो इंसान को सुकून नहीं होता इंसान चाहता है मैं उस मस्जिद वाले माहौल की तरफ दोबारा वाप, तो वापस आ जाऊँ तो इसलिए फरमाया कि वो शख्स कि जो मस्जिद वाले माहौल से जब निकलता है तो उसको दूसरा माहौल अच्छा नहीं लगता उसको मस्जिद वाला माहौल ही अच्छा लगता है फरमाया फरमाया उस शख्स को फरमाया उस शख्स को भी क्यामत के दिन अल्लाह इज़्ज़त अपने अर्श के साए के अंदर जगह नसीब फरमाएंगे तो ऐसे करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर आपके कॉल्स का भी इंतज़ार होगा और इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर भी बातचीत होगी